नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि जारी किया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इसमें कुछ पदों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मैं आपको वो पद दिखा देता हूँ। जो सबसे पहली पोस्ट है वो है पर्सनल HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जिसमें टोटल पोस्ट है 8। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर जो कि जनरल कास्ट से संबंधित है उनके लिए 4 पोस्ट है, और जो बाकी डिवाइड हुई है वो हुई है अनरिजर्व्ड हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ HP, जिसमें एक पोस्ट नहीं दी गई है। अनरिजर्व्ड में एक्स सर्विस मैन ऑफ HP एक दी गई है, और शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP के लिए एक, OBC ऑफ HP के लिए एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है। पे स्केल यहाँ पर 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक है, और जो यहाँ पर ग्रेड भी दिया जाता है वो 5,400 रुपये है। जो अगली पोस्ट है वो है फूड सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, और ये आपकी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है। आगे जो अगली पोस्ट है वो दी गई है होम से लेकर, ये होम गार्ड की होगी जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस से संबंधित है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 2, और अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 1, और शेड्यूल ट्राइब ऑफ HP के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। कुल यहाँ पर 4 है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पर तहसीलदार की दी गई है, जिसकी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ HP की है, और इसका पे स्केल आपको पता होगा 10,300 से 34,800 तक है, और जो यहाँ पर ग्रेड पे है या जो भी है GP है ये यहाँ पर 5,000 दिया गया है। और यहाँ पर कोऑपरेशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की दी गई है, जिसमें यहाँ पर 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। अब आगे मैं आपको बात बता दूँ कि इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मतलब वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो है यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट बी पास्ट बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा गया है कि अ कैंडिडेट हु हैज़ अपेयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर हिम एलिजिबल टू अपेयर दिस एग्जामिनेशन बट हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट। इसका मतलब है कि जिस अभ्यर्थी ने जो अभी अभी बैचलर जैसे मतलब कॉलेज के पेपर अपने दिए हैं और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वे भी इसे भर सकते हैं। और कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसी है जिसके लिए कैंडिडेट हु हैव पास द फाइनल प्रोफेशनल MBBS और एनी अदर मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ पोस्ट है जिसके लिए आपको यहाँ पर MBBS होना ज़रूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यही आएगा कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास कस्टम मैनर होना चाहिए उस जगह का। आगे आपके पास है एज लिमिट, तो कौन से एज के व्यक्ति इस जॉब को भर सकते हैं। जिनकी उम्र 21 साल से 35 वर्ष के बीच में है वे इस पोस्ट को भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर फीस की बात बता दूँ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे। और यहाँ लिखा गया है कि कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट उनके लिए भी 400 रुपये का होगा, और जो हिमाचल प्रदेश के SC ST BPL और EWS में जो आते हैं उन्हें 100 रुपये देना होगा, और जो एक्स सर्विसमैन ऑफ HP है उन्हें भी फ़ीस नहीं देनी होगी। जो फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस, मतलब जो लड़कियां हैं उन्हें यहां पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट यहां पर ऑनलाइन होगा, और अगर आप यहां इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहां पर विज़िट करें। ये थी इस पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आप HPSSC की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9882181641। तो आप यहां से भी व्हाट्सएप में मैसेज करके इस PDF को मांग सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है मैं HP पुलिस कांस्टेबल की फ्री में कोचिंग दे रहा हूं मैथ की, तो अगर आपके कोई नोन में है या फिर आपके नज़दीक कोई ऐसा विद्यार्थी है जो HP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है लेकिन इस समय वो तैयारी नहीं कर पा रहा कोरोना के कारण, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जल्द ही मैं 21 मई से लेकर रीजनिंग की वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ HP कांस्टेबल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस डिटेल में कुछ देखना चाहते हैं तो आप इस PDF को खुद डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो की कुछ इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।